खाना साला किसको नहीं पसंद। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप मुझे काफ़ी समय से ये पिंक टी शर्ट शर्ट में देख रहे हैं ना, ये पिंक कितना प्यारा कलर है। नहीं वैसे भी ये जो शर्ट है ना, फुल ऑन लिनन है 100%, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है समर्स के लिए। और चिंता नहीं करें, ये शर्ट की सेल नहीं कर रही हूँ मैं, बस ये आपको बताना चाहती हूँ कि बार बार आपको मेरे व्लॉग्स में ये शर्ट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। और वैसे भी मैं पिंक की बड़ी फ़ैन हूँ, और ये मुझे लगा पहला पिंक का जड़ा मैंने पहना है। कल मैं और हमें शॉपिंग करने के लिए गए थे, और कई चीज़ें मुझे ना पिंक और रेड पसंद आ रही थी। मुझे कह रहा ओह दिस इज़ नॉट योर कलर, तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि क्यों अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तुम कह रहा पिंक को पसंद नहीं करती हो। मैं पिंक को पसंद नहीं करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर अच्छा नहीं लगा, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। फिर क्या मान लिया वो बेचारा, कहना ओके तेरी मर्जी जो मर्जी कर। ओके सो आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट की है, ये बहुत ही प्यारी सी नेचुरल क्लीन मेकअप लुक, जो कि आजकल मेरा एवरीडे काइंड का रूटीन है। जिस दिन भी मुझे तैयार होना होता है तो मैं ऐसा ही मेकअप करती हूँ। सो मेरी मेकअप वीडियो से मैं डन हूँ, आई एम हैप्पी कि अच्छी वीडियो बन चुकी है। होपफुली चेक करूँगी बाद में पता चलता है कि मैंने पसंद नहीं आई, और फिर बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आ ही नहीं पाती, क्योंकि जब मैं खुशी नहीं ना मिलती मैं अपलोड नहीं करती हूँ। सो बाहर मेरे पति भूखे शेर की तरह वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। कल मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, साग बनाया था परसों, पर वो कह रहे हैं कि आज मैं मूली वाले परांठे खाऊंगा। सो उनके लिए मूली के परांठे बनेंगे एंड उनकी मदद के साथ, तो लेट्स गो इन किचन, कुक करते हैं सारे जाने मिलके, कुछ कुक करते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? दोबारा आ गई हूँ मैं गुलाबी शर्ट पहन के। सो ये है मेरे प्यारे पति, जिन्हों बड़ी मुश्किल ना मैं बंदी बना के लेके आई हूँ मूली करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े ठंडा हो जाते हैं, इनके भी हो रहे हैं ठंडे। मूली ना वैसे सानू बाहर कट के रख लेंगे। रियल्टर बंदे से ही ये काम कराती है। रियल्टर बंदे का संडे ऐसे जाता है दोस्तों, प्यारी रियल्टर हो इनकी बाहर हो रियल्टर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पे कोई मैं तराज दी कोई तशद्दद नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को ना कुकिंग अच्छी लगती है। ये तरी बना के रखती है हस्बैंड। हाँ झूठ मोरी है आपने कहा नहीं है त त त त त ही सही कहा लगी। मेरे तरासदी नहीं है वो, नहीं है तशद्दद नहीं है। मैंने कुकिंग वो पसंद है जो मैंने पसंद है, थोड़ी ना ये तो मैं तेरा काम कर रहा हूँ। तो उन्हें खाना पसंद है ना? खाना साला किसको नहीं पसंद। सुबह बनाना भी पसंद होना चाहिए। ओके मूली का सारा काम तू ही कर रही है। ओके मैं जाती वेट कर रही हूँ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ ਕੰਮ ਘਟਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਮੂਲੀ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਗ ਖਾ ਲਓ। ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਹੀਂ ਨਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਵਾਟ ਐਲਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। Russian dish man by just to tell you I hope that you understand why these things on my mind keep me up. You got that? Wo cool lag raha tha nahi video se kitchen pe hi. गाइस आप ना थोड़ा तैयार हो करा करो, एक किचन में भी हमारे किचन में धूप बहुत आती है, तो मुझे सनग्लासेस पहननी पड़ती है। मिंटे ना ब्राउन दिखने लगता है सारा कुछ। ओए दोस्तों, जब मैं किचन में कुक करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मेरे किचन भी ना नाल नाल क्लीन रहे, ताकि ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव फील करते हैं। आप जब गंद होता ना कॉल, फिर अच्छा नहीं है। सो पति को काम कराना इसीलिए मुश्किल है, क्योंकि पति बहुत मैस पाते हैं, मैस करते हैं। मैस मैं मैस से काम किया था। मेरे पति इतना स्लो खाते हैं, जब वो कॉलेज में थे ना तो जो बनाना शुरू करते तब थे खाना शुरू करते थे, एंड तक खाते ही सारा काम मुक जाता था। मेहनत
I know you come as you please, still I wait so patiently. Your kiss is so heavenly, you made a pagan believe. Your love is safe with me. मुझे परांठे में ऐड करने के लिए कुछ ग्रीन नहीं था, धनिया है नहीं हमारे पास, तो मैंने पालक ऐड कर दिया क्योंकि ग्रीन ना अच्छा लगता है, खूबसूरत। और साग वाला मसाला मत पर कुक दे साग, तो मैं साग दे डंपलिंग बना देने। Something to believe in other than me back since 2013. बेचारे पति को मारा जा मक्खन ना चिट्टा, वो समझ में आ रहा है इस पे रखूं या परांठे पे रखूं, कभी इधर रखते हैं कभी इधर रखते हैं। मक्खन की कमी आ गई मेरी जिंदगी में, ऐसी होना है बार बार ही खाना। जॉब चले कनाडा, कितनी के बार जाना भी आ रही है। सो ये बन रही है क्यूट हिम्मत की परांठी। हिम्मत थोड़ा उदास है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा होमवर्क करने के लिए दे दिया मैंने अब उसको ब्रेक मिल रही है थोड़ी आउटसाइड है वो, उसको भी ना मैं हस्बैंड के साथ बाहर ही दिलाऊंगी पिज्जी परांठी। वैसे वो मूली परांठी का शौकीन नहीं है, वो खाना पसंद नहीं करता है, ज़बरदस्ती देंगे शायद खा ले। वैसे हिम्मत ने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया है, ये होगा उसका लंच एंड मेरे और हस्बैंड का पहला मील है ये। सो ये परांठी जाएगी क्यूट मीमी के लिए। है ये गो बाय। मैंने थोड़ी अभी खाना ना। सो हस्बैंड के लिए जा रही है दूसरी परांठी एंड आई डोंट नो हो लेंगे, उनसे पूछा भी नहीं है कि कैसे बनी है। थैंक यू वेरी मच। वाह कितना बनी परांठी दस्या नहीं तुम्हें, बहुत कमाल बढ़िया। मिर्च ज़्यादा नहीं, मैं नहीं खाना मैं। It's hot. Darling, you should hurry home. I left the keys under the front door mat. Though it won't be long until I row home. Please allow me to love you like my last. My slumber. हिम्मत एंड हस्बैंड को खिला दिया है मैंने एंड थोड़ी सी मैंने किचन को क्लीन भी कर दिया है। अभी वैसे काफ़ी क्लीनिंग बाकी है, वो बाद में करेंगे क्योंकि जब मैं खाना खाती हूँ ना मुझे ये एरिया क्लीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बिना मैंने अजीब सा लगता रहता है। और हैंड वॉश करना अच्छी तरह, आई थिंक कल या परसों मैंने क्या किया कि मैंने छोड़ दिया, बहुत रेयर होता है कि मैं छोड़ दूँ। मेरे ना अच्छा फील नहीं हो रहा था एंड बहुत बुरा हेडेक था मुझे एंड बहुत एलर्जी हो गई मुझे, बहुत ज़्यादा स्नीज कर रही थी मैं, तो मैं अपस्टेयर चली गई। सो क्या हुआ कि दोपहर के 2-3 बजे थे एंड हमारे घर पे 12 बजी एंड हमारी सामने वाली नेबर आ गई हमारे घर, पहली बार आई है वो। एंड मैंने सोचा कि यार वैसे मैं अपनी किचन को इतना क्लीन रखती हूँ, आज पहली बार मैं छाड़ के गई हूँ एंड वो देख रही है ऐसे ऐसे। वैसे उसने ऐसा सोचा नहीं, वो कह रही कि तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा क्लीन है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मैस होती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। पर मैंने बड़ा अजीब लगा कि यार उदा मैं कभी नहीं छोड़ती और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी किस्म की लड़की हूँ, बहुत बुरा लगा मैंने ना। फिर होंगे कि क्लीन कर लो ताकि बाद में आप बाकी चीज़ें नहीं भी करोगे चलेगा, पर ये जो आटा है ना ये क्लीन होना चाहिए जहाँ पे आपने रोटी बेल ली है। सो मैंने मेरे लिए बनाई है एक परांठी एंड एक फुल्का। परांठी मैं पूरी नहीं खा पाऊँगी, सो मैं दोपहर में खाऊँगी कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ। फुल्का खाना चाहती हूँ मैं आज। वैसे मुझे मूली की परांठी काफ़ी अच्छी लगती है, वो मैं इसलिए खाना चाहती हूँ कि मैंने कल अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। अरबी की सब्ज़ी मैं बहुत ही प्यारी बनाती हूँ खट्टी फ्राई करके, उसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है। वैसे मूली परांठे की भी है मेरे कुकिंग चैनल पे अगर आप देखना चाहें तो। सो फुल्का खाना चाहती हूँ परांठे के साथ ना, वो सब्ज़ी का मज़ा नहीं आएगा खट्टी वाली अरबी का ना, फुल्के के साथ आएगा। तो फुल्का खाऊंगी, परांठी हम सेव करेंगे लेटर के लिए। सो यहाँ बारी आती है मेरे खाने की।
आपको सब्जियाँ अच्छी लगती हैं? मुझे अरबी अच्छी लगती है, घिया अच्छी लगती है, टिंडे अच्छे लगते हैं, कद्दू अच्छा लगता है, भिंडी अच्छी लगती है, करेले, मैनू ये वाली सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सब्जी पसंद, हर चीज़ का अलग ही फ्लेवर आ, अरबी का अपना फ्लेवर आ एंड भिंडी का कितना अच्छा फ्लेवर होता है ना। बाहर बैठ के खाती हूँ लोगों के साथ। Let's go. अद्दे लेके जा रही हूँ मैं। ओके, वाकई दोस्तों बाहर बहुत बढ़िया मौसम है। So, काफ़ी समय के बाद वापस आई हूँ मैं। मुझे ना मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही। सुबह जब मैं उठी थी तो मेरा नोज रनी था, मुझे लगा कि एलर्जीज की वजह से होगा, बट अब मुझे अजीब लग रहा है, थोड़ा सोर थ्रोट जैसा भी लग रहा, पर मैं आई डोंट नो कैसे, मैं थोड़ा सिक फील कर रही हूँ। डर लग रहा है कि बीमार नहीं हो जाऊँ। बीमार होना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है मुझे, क्योंकि फिर मेरे घर की हालत ना बहुत ख़राब हो जाती है। एंड गर्म नहीं है, बस थोड़ा नाक थोड़ा। खाना खाने के बाद मैंने किचन को क्लीन किया, डिशेस को सारा अरेंज कर दिया, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की है मैंने। एंड उसके बाद मैंने लॉन्ड्री की, आज वीकेंड है तो लॉन्ड्री का दिन है, मैंने मेरी हेल्प की फोल्ड करने के लिए, और उसके बाद उसको जगह जगह सेट कर दिया। उसका शूट नहीं किया है मैंने, पर जब मैं लॉन्ड्री सेट कर रही थी ना तो हिम्मत का मैंने क्लोज़ेट देखी, उन्हें बहुत मैस करके रखी थी, क्योंकि हिम्मत का आजकल क्या है कि उसको चीज़ें पसंद ही नहीं आती है, कभी वो कोई टी शर्ट पहनना चाहता है कभी कोई, और दिन में 5-6 बार वो कपड़े चेंज करता है, तो बहुत मजा आता है इस चीज में, एंड उसके चक्कर में बहुत मैस कर देता। आज मैंने वो सारी शेल्फ निकाल के नीचे फेंक दिया और मैंने कहा कि तुम फिक्स करो, ताकि नेक्स्ट टाइम उसे डर लगे कि कितना काम करना पड़ता है, तो वो काम किया। एंड अब मैंने हमारा ऊपर वाला बोनस रूम है जो, उसका वैक्यूम किया है। हस्बैंड एंड हिम्मत दोनों टीवी देख रहे थे, उन दोनों को मैंने भेजा है बाहर ताकि थोड़ा आउटडोर समय स्पेंड करें। मुझे भी आने के लिए कह रहे थे, पर मेरा मन नहीं है जाने के लिए, आई एम फीलिंग सिक। सो अब मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए एक मज़ेदार कॉफ़ी, एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। रेसिपी तो कोई नहीं है, वो अगर आपके पास वो केक कप वाली मशीन है तब आप बना पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं क्विक सा बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, वो बहुत डिलीशियस बनती है। वो काफ़ी ऐसे बनती है जैसे आप इंडिया में शादियों में मिलती थी ना कॉफ़ी, वैसी बनती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो मेरी कॉफ़ी मशीन ऑलरेडी ऑन है, तो एक प्यारा सा कप लेते हैं। कप मुझे ना प्यारा होना बहुत ज़रूरी है, सो ये वाला कप मुझे अच्छा लगता है कॉफ़ी पीने के लिए। सो सबसे पहले मैं लूँगी 10% क्रीम, इसको हम पोर करेंगे हमारे कॉफ़ी वाले कप में, अराउंड दिस मच। सो अब इसे मैं माइक्रोवेव में हीट कर लूँगी अराउंड 1 मिनट और मे बी 50 सेकेंड्स। 1 मिनट के लिए लगाते हैं, 50 सेकेंड में निकाल। तो कॉफ़ी के लिए जो केक कप मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टिम हॉर्टन्स का, और ये है डबल डबल कॉफ़ी। अगर आपको डबल डबल अच्छी लगती है तो ये डबल डबल है, पर इसको हम डिफरेंट ढंग से बनाएंगे। हमारी क्रीम हीट हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। ओके, सो ये है फ्रॉथर जो कि हमने लिया है आइकिया से, आई थिंक $5 में आ जाएगा। अगर आप अमेजोन से लेना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद सकते हैं। अब इसको क्रीम को फ्रॉथ करेंगे, आप देखिए क्रीम कितनी है और कैसे हो जाएगी। केक कप को ऐड करेंगे कॉफ़ी मशीन में और हम मीडियम कप कॉफ़ी बनाएंगे। सो अब आपका ये कॉफ़ी का कप रेडी है। अब फ्रॉथ को मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, वैसे मैं बरिस्ता की जॉब की है मैंने, मैं बहुत अच्छी क्रीम फ्रॉथ बनाती हूँ, बहुत ही सिल्की स्मूथ, पर ये वीडियो के चक्कर में ना थोड़ा काला माला कर दिया। इट्स ओके, कोई जज नहीं कर रहा हमें। तो मेरे पास है ये टिम हॉर्टन्स का हॉट चॉकलेट पाउडर, अब इससे आप
स्प्रिंकल कर लें जैसे हम वहाँ पे शादियों में करते थे ना, डब्बा लेके खुद ही वैसे कर लें। बंदा वो कहता था कॉफ़ी बनाने वाला, आप ही पालो जी। ओके सो ये कॉफ़ी इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है कि आपको इंडिया की शादी वाली कॉफ़ी याद आ जाएगी। जिस दिन मैंने पहले दिन ट्राई किया ना, इससे क्या है वो डबल डबल का जो मीठा है वो भी ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज बहुत मीठा लगता है, मुझे भी डबल डबल लगता है, अच्छा नहीं लगता। सो ये बहुत अच्छी बनती है। अब मैं इतनी एक्साइटेड होंगी ना, जब भी कोई आता है मुझे आता है, जब भी कोई घर में आता है ना, मुझे लगा कोई इंडिया जैसी कॉफ़ी बना के पिलाओ, क्योंकि कितना आसान है राइट। अगर आप चीनी एंड कॉफ़ी का फ्रॉथ बना के बनाते तब भी ऐसा ही फ्लेवर बनता है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो इस कॉफ़ी का मज़ा लूँगी, उसके बाद मैं मेरे स्टूडियो रूम को फिक्स करने वाली हूँ। मैं आपकी आपको उसके हालत दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड धीरे धीरे मैं लाइन पे लाना चाहती हूँ। और अब मैं जब भी ये फ्रॉथ यूज़ कर रही थी ना, तो मुझे याद आया कि जिस दिन हम IKEA गए थे, हम 3-4 बार IKEA गए हैं, और जितनी बार भी IKEA गए हैं मैंने, मुझे लगता है शूट किया है हॉल की मैंने क्या क्या खरीदा है। क्योंकि घर को सेट करने के लिए आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप घर से घर में जा रहे हैं, पर जब हमने उस घर को छोड़ा है तो मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ों को रिड ऑफ किया है, डोनेट किया है, बैग्स ऑफ बैग्स। मुझे लगता है कम से कम 20 बड़े 75 लीटर के बैग मैंने डोनेट किए होंगे। किचन का सामान, हिम्मत की चीज़ें, मेरी चीज़ें, मेरे कपड़े, जूते एंड बैग्स, हस्बैंड का बहुत सारा सामान तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और एक बार तो ये था कि कितने सारे बैग भी थे और सामान भी। उसके बाद जो सामान की हालत थोड़ी बेटर है उसको मैंने मेरे दोस्तों को दिया है ताकि वो यूज़ कर पाएँ। सो जब आप वो सारा चीज़ें रिड ऑफ करके नई जगह पे आते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपको कितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है फिर से। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेना नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि ये नया खरीदूंगी, ये नया खरीदूंगी। तो काफ़ी सारे ट्रिप मैंने लगाए हैं IKEA। मैंने अपने हिसाब से शूट किया था कई बार कि आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खरीद रही हूँ, क्योंकि कई चीज़ें IKEA में बहुत अच्छी हैं। पर अब मुझे याद आया कि जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, वो फुटेज तो मुझे मिली नहीं कहीं पे। आई डोंट नो वो किस मेमोरी कार्ड में या किसी बैग में पड़ा होगा, कहाँ पे पड़ा होगा, ढूंढना पड़ेगा अब मुझे। सो वो कभी फ्यूचर में आएगा, जब उसको लिए हुए सदियाँ हो जाएंगी, या फिर आएगा ही नहीं कभी, भूल जाऊँगी मैं, आई डोंट नो। अब मैं अगर सोचूं कि मैंने क्या क्या खरीदा, मुझे याद भी नहीं आएगा कि क्या क्या लिया, क्योंकि सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं। सो मेरी पेंट्री में मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिया, बेसिक सा आइडिया आ गया है मुझे कि मैं कैसा चाहती हूँ मेरी पेंट्री को, लाइक क्लीन। एंड मैंने डार्क ब्लैक बॉक्सेस लिए हैं लिड्स वाले IKEA से, अभी मुझे उसको लेबल करना बाकी है एंड थोड़ा यू नो फाइनल ऑर्गेनाइजिंग बाकी है। मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि मुझे कैसी चीज़ें चाहिए। सो जिस दिन मैं पेंट्री को ऑर्गेनाइज करूँगी, लेबल करूँगी, उस दिन मैं वीडियो शूट करूँगी ताकि मैंने क्या कहाँ से ख़रीदा आपको पता चल सके। एंड ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ चीज़ों को। दैट्स इट, अब मैं कॉफ़ी का मज़ा लेती हूँ और टी वी पर कुछ देखूँगी, देन हम स्टूडियो को फिक्स करेंगे। दैट्स इट। मुझे लग रहा था कि मैंने तब रोटी खा ली थी अरबी के साथ, कि कॉफ़ी के समय पे मैं अपना परांठा खा लूँगी, परांठा पैक है, मैं नहीं खा पाऊँगी। सो एक रोटी खाई थी अर्लियर मैंने। अब समय हुआ है 7:00 होने वाला है, 6:48 हो चुके हैं। सो यस दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी, लेट्स गो अपस्टेयर। सो ये है मेरा स्टूडियो रूम जिसकी विंडोज़ साउथ फेसिंग है, जहाँ पे सारा दिन धूप रही थी और बहुत अच्छी रोशनी है। सो ये जो शेल्फ है जी, ये मैंने पता नहीं कहाँ से ली, IKEA से आई गेस। सो इसे मैंने बेसमेंट में रखा था, पर इसका यूज़ नहीं है वहाँ पे। और स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। सो इसको मैं बेसमेंट से लेके आई हूँ। हस्बैंड एंड हिम्मत अभी भी घर से आए नहीं है, पार्क से आए नहीं है। सो मैं इस समय का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करके। सो मैंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कर ली है, इसे हम अंदर रखें। सो यहाँ पे ये परफेक्ट कॉर्नर है जहाँ पे मैं रैक रख सकती हूँ, तो रखते हैं वहाँ पे। सो यस, यहाँ पे ये अच्छा है। अब इसमें चीजें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जल्दी से। सो मुझे मेरा मेकअप रूम सेट करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, पर पूरी तरह मैं फिनिश नहीं कर पाई और मेरे कैमरे की बैटरी डाई हो गई थी, मैं शूट भी नहीं कर पाई। सो जब मैं नीचे आई तो काफ़ी समय हो चुका था एंड हस्बैंड एंड हिम्मत को हंगरी थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुक करूँ मैं क्विकली, क्योंकि मैंने भी एक ही फुल्का खाया ना सुबह, तो मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी। तो जल्दी से मैंने पुलाव बनाया है, मटर वाला पुलाव, मटर एंड आलू, लाइक सिंपल सा वेजिटेबल पुलाव। सो हम तीनों ने आराम से बैठ के खाया एंड ऐसे हो गया हमारा डिनर।
it's like to get love, real love. This bitch heavy on my mind. ओके दोस्तों, तो बारी आती है किचन को क्विक क्लीन करने की. वैसे मैंने दोपहर में क्लीन कर लिया था, तो अब ज़्यादा काम नहीं है, तो जल्दी से क्लीन करते हैं. और एक बंदा आएगा जो हमारी हेल्प करेगा, हिज नेम इज HIMMET. उसको थोड़ी देर में बुलाया जाएगा, बहुत अच्छी मदद करता है क्लीन करने में. HIMMET, कम. यू वर जस्ट अ बेबी when you had a baby, but you knew what to do. Said that it just clicked, told me the reason is you were just looking out for you. And through it all you never fall or fail or crumble. No, you'd stand tall, never stumble. You were my very first soulmate, the healer of my heartbreaks, the keeper of my good days, the one to chase my nightmares away. You were my very first soulmate, the fixer of my mistakes, the comfort on my bad days, the one who made. All right, प्यारे दोस्तों, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बार में बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं. मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. अगर आपके पास कोई स्पेशल वीडियो की रिक्वेस्ट है ना, प्लीज़ कमेंट बार में छोड़ दें, हम उस पर ज़रूर से काम करेंगे. मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में. बाय बाय, आई लव यू गाइज सो वेरी मच. बाय.